मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में जोवट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हर गाँव में 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे जो स्थानीय काम करेंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। अब गाँव में हैंडपंप से पीने का पानी नहीं आएगा, अब पाइपलाइन बिछाकर घरों में नल लगाकर पानी मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी है, पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई कि हर गांव में हम 4 ग्रामीण इंजीनियर तैयार करेंगे, 4 ग्रामीण इंजीनियर। और मैं अपने सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं, यह ठीक वही कल्पना थी कि हर गांव में अब इतने काम चल रहे हैं जिनका उल्लेख माननीय बीएल संतोष जी ने भी किया। एक तरफ लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गांव में काम करने वाले हैंड्स नहीं है, हाथ नहीं है, और गांव में जो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के इस साल ही 10 लाख मकान बनने हैं भाई साहब, 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। हमारे पास मैसन, प्लम्बर, कारीगर, उन्हीं की कमी है गांव में अभी। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में, जल जीवन मिशन का अभियान, गांव गांव घर घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के घर में पानी देना है। हमको कितने लोग चाहिए, यंत्रीकरण का जमाना है ये, हर घर में मोटरसाइकिल है। जनजाति परिवार के कह रहा हूं, मेरे युवा मित्र यहां बैठे, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर मोटरसाइकिल ना हो, सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही है कि नहीं? हर घर मोटरसाइकिल है भाई साहब, अब वो बिगड़ जाए तो ठीक कौन करेगा? गांव गांव में बिजली का विस्तार हुआ है, मोटर खराब हो जाए तो जल जाए तो बाइंडिंग कौन करेगा? खेती में जो यंत्र लग रहे हैं उनको ठीक करने का काम कौन करेगा? आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये कह रहा हूं कि हमको ऐसे लाखों नौजवानों की जरूरत है जो गांव में ये काम कर सके, लाखों नौजवान की जरूरत। और हमने 4 ग्रामीण इंजीनियर की बात की तो हमारे यहां लगभग 53,000 गांव में से 2,000 गांव हम मान सकते हैं वीरान है, 51,000 गांव, 22,800 से ज्यादा पंचायतें हैं, तो 2 लाख तो हमें सीधे सीधे चाहिए। स्किल्ड मैन पावर जिनके हाथों में कौशल हो, जो काम करना जानते हो। और तिवारी जी ने शायद अभी कहा था कि ग्रामीण इंजीनियर, ग्रामीण उद्यमी, इनको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन बाद में इनकी चिंता कर लेना, मैं अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम ग्रामीण इंजीनियर होगे, चिंता ही मत करो, ये चाहिए गांव में, वास्तव में हमारी जरूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।